न्यूमेरिकल इंटीग्रल का क्वेश्चन नंबर 1 है। इनका कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है, फोर्स लेगा 5.2 लॉग एक्स डी एक्स वाई, फर्स्ट है ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल और वेडल्स रूल। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम इसमें तो करेंगे एच फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें दे रखा है, यदि हम ट्रेपेजोइडल रूल से का सॉल्व करते तो एन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, एन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। यदि हम इसको सिम्पसन 1/3 रूल से करेंगे तो एन की वैल्यू 2 का मल्टीपल लेंगे, और सिम्पसन 1/3 से करेंगे तो एन की वैल्यू 3 का मल्टीपल लेंगे, और ये वेडल्स रूल से करेंगे तो एन की वैल्यू 6 लेंगे। अब क्वेश्चन में हमें चारों फार्मूले से करना है, तो एन की वैल्यू ऐसे लेंगे, इसमें चारों फार्मूले सेटिस्फाई कर जाएं तो एन की वैल्यू इसमें 6 ले लेंगे या एन की वैल्यू 12 ले लेंगे। तो ये हमें एग्ज़ाम में कितना टाइम मिलता है उसके आधार पर लेंगे, एन की वैल्यू 6 लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, और एन टाइम ज़्यादा है तो एन की वैल्यू हम 12 ले लेंगे। एन की वैल्यू 6 पे थोड़ी एक्यूरेसी कम आएगी, और एन की वैल्यू 12 लेंगे तो एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा आती है। तो हमने एन इक्वल टू 6 लिया, तो हमारी जो रेंज दे रखी है लिमिट की वो दे रखी है 4 से लेकर 5.2 तक। तो हमें एच निकालना है, तो 5.2 माइनस 4 अपॉन एन की वैल्यू 6, तो जाएगा 1.2 अपॉन 6 बराबर 0.2। जो एच निकली है हमारी पैकेट निकली है 0.2 निकली है। अब इसके लिए टेबल बना लेते हैं, तो एन की वैल्यू 1/6 ले ली, तो रेंज दे रखी हमारी है 4 से लेकर 5.2 तक। तो एच हमारी क्या आएगी, 5.2 माइनस के 4 अपॉन 6, तो 1.2 यानी 0.2 आ गई एच की वैल्यू, जो एच निकली है हमारे पास 0.2। अब इसके लिए टेबल बना लेंगे, तो सबसे पहले एक्स जीरो पर निकालेंगे, एक्स जीरो लिया तो 4.0, एक्स जीरो प्लस के एच, तो एच की वैल्यू क्या दे रखी है 0.2, एक्स जीरो की 4 तो जाएगा 4.2 एक्स जीरो प्लस के 2h, तो जो आएगा 4.4 एक्स जीरो प्लस के 3h, ये 4.6 एक्स जीरो प्लस के 4h, ये आएगा 4.8 एक्स जीरो प्लस के 5h, तो ये आएगा 5.0 एक्स जीरो प्लस के 6h, अब जो y की वैल्यू, तो y0 पर जो निकालेंगे
1.3862944 Y1 पे निकालेंगे तो 1.43508455 Y2 पे निकालेंगे तो 1.481605 Y3 पे निकालेंगे Y3 पे 1.5260563 तो 26 तक की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसमें फर्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा ट्रेपेजोइडल log x dx h upon 2 ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हमें एच की वैल्यू पुट करनी है Y0, Y6, 2, Y1 की, Y2 की, Y3, Y4 और Y5 सारी वैल्यू हम इस टेबल में से देखेंगे। तो Y0 की भी है, Y1 की भी है, Y2 की भी है, Y3 की, Y4, Y5, Y6 की सारी वैल्यू हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे पास एच अपॉन टू Y0 प्लस Y6 प्लस के 2 Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस Y4 प्लस 5 Y5। अब इसकी वैल्यू जो एच की वैल्यू पुट कर दें तो देखिए एच की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 0.2 अपॉन 2। Y0 की वैल्यू देखो, Y0 की वैल्यू टेबल में देखेंगे, Y0 की वैल्यू कितनी है, 1.386294। तो मैंने Y0 की वैल्यू पुट कर दी, Y2 की वैल्यू पुट कर दी, ये Y6 की प्लस 2 Y1 की वैल्यू, Y2 की वैल्यू, Y3 की वैल्यू, Y4 की वैल्यू और Y5 की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब इन सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। इन सबको किया हमने, सारी वैल्यू ऐड करेंगे तो ये निकल गया है 0.2, तो 3.03493 प्लस 2 इंटू ये सबका ऐड किया तो 7.62079991 आया। इन सब इसको और इसमें इंटू करने के बाद सबको ऐड किया और इसमें 2 से डिवाइड कर दिया तो 0.1 इनके ये सबको ऐड किया तो 18.276551 माइनस 0.1 से इसमें इंटू कर दिया तो ये आ जाएगा 1.827655 ये निकला है। अब चाहिए हमें सिम्पसन 1/3 रूल, वाई सिम्पसन 1/3 रूल से कहता है कि लिमिट दे रखी है इंटीग्रेशन 0 से 4 से लेकर 5.2 लॉग एक्स डी एक्स एच अपॉन 3 Y0 प्लस Y6 प्लस 4 ब्रैकेट में Y1 प्लस Y3 प्लस Y5 ब्रैकेट में प्लस 2 अगला ब्रैकेट है Y2 प्लस Y4। अब इसमें H की वैल्यू पुट कर देंगे और Y0 की, तो हमने ये H की वैल्यू पुट कर दी और Y0 की वैल्यू ये है
वाई सिक्स की वैल्यू ये रही, 4 इंटू वाई वन की वैल्यू, वाई थ्री की वैल्यू और वाई फाइव की वैल्यू, प्लस 2 इंटू वाई टू की वैल्यू और वाई फोर की वैल्यू ये पुट कर दी। इन सबको ऐड किया सबको ऐड करेंगे तो 0.2/3, इन सबका सॉल्व किया तो ये इंटू करने के बाद सबको इसको प्लस कर दिया तो ये आया 0.2/3 इंटू 27.417709। इसको पूरे को सॉल्व किया तो 1.87842 आया, जो उसी लगभग उसी के बराबर है। देखो 1.8277655 और ये भी 1.8278472। अब है सिम्पसन 3/8 रूल्स, ये 1/3 निकाल लिए, अब 3/8 रूल्स। सिम्पसन 1/3 रूल, 3/8 रूल, तो ये है हमारे पास 3/8 वाई जीरो प्लस के वाई सिक्स प्लस 3y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 ब्रैकेट में प्लस के 2y3। अब सारी वैल्यू रख देंगे हम, थ्री इंटू h की वैल्यू पुट कर दी मैंने 0.2/8, वाई जीरो प्लस वाई सिक्स की वैल्यू को ऐड करके ये रख दिया, 3 इंटू वाई वन प्लस के वाई टू प्लस वाई फोर प्लस वाई फाइव की वैल्यू को इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा, और 2 इंटू वाई थ्री की वैल्यू ये रही। इनको पूरे को सॉल्व किया तो 0.6/8 ये तो वैल्यू ऐसी रही, 3 इनका सॉल्व ये आ गया, ऐड करने के बाद इस पर इंटू किया तो ये आ गया 0.6/8 का इंटू करेंगे 24.37124 में तो जाएगा 1.8278847। अब फोर्थ है वेडल्स रूल, वेडल्स रूल है, लिमिट तो वही है, सेम है, फंक्शन भी वही है। तो ये 3h/10 वाई जीरो प्लस के वाई सिक्स प्लस 5y1 प्लस y5 प्लस y2 प्लस y4 प्लस 6y3, इनसे सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो h की वैल्यू पुट कर दी तो 0.2/10 है, y0 प्लस y6 की वैल्यू को ऐड किया तो ये आ गई प्लस 5y1 प्लस y5 की वैल्यू को ऐड किया ये आ गया, और y2 प्लस y4 प्लस 6y3। हमने सारी वैल्यू पुट कर दी यहाँ तक, y0 की, y6 की, 5y1 y5 प्लस y2 प्लस y4 प्लस 6y3 इसकी वैल्यू पुट कर दी टेबल की सहायता से हमने, तो ये सारा यहाँ किया ये रख दी। इनको पूरे को सॉल्व करेंगे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें किससे देना है हमें 0.6/10 है और 30 प्लस 4 1 2 3 में इंटू कर देंगे तो जाएगा 1.8278474 ये आ गया। ये लगभग सब बराबर से हैं तो ये चारों के मार के आंसर निकल जाएगा।